के फंडे के विनिंग सीरीज 92 में मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कंसीडर द फॉलोइंग कंडीशंस विथ रिगार्ड टू द क्लाउड बर्स्ट फेनोमेना एज डिफाइंड बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आईएमडी डिपार्टमेंट ने एक डेफिनेशन बनाई है क्लाउड बर्स्ट की, है ना, बादल फटने वाला क्लाउड बर्स्ट, उसके बारे में। तो क्या कंडीशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन दी है, देखो। वन शॉर्ट ड्यूरेशन टू प्रेसिपिटेशन एक्सीडिंग 100 सेंटीमीटर पर आवर, कवर ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 100 टू 200 स्क्वायर किलोमीटर। कौन से कंडीशन भाई करेक्ट है, तीनों देख लिया आपने? ओके, चलो क्लिक करो। चलो मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो अपने आंसर। आंसर इज ए, ओनली वन इज करेक्ट। शॉर्ट ड्यूरेशन है भाई, बट प्रेसिपिटेशन एक्सीडिंग 100 नहीं, तो यहां पे एक जीरो कम कर देना है। एक्चुअली इट्स अ 100 मिलीमीटर पर आवर, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर पर आवर, नहीं तो 100 है नहीं तो पूरा का पूरा सिटी गायब हो जाएगा भाई। कवर ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 100 टू 200 नहीं, इतना बड़ा नहीं। एक जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है, एक सीमित ज्योग्राफिकल एरिया होता है, अराउंड 20 टू 30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होता है, और वहां पे जब सडन एकदम से अचानक आ जाता है, जम से बारिश शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, उसको हम क्लाउड बस्ट कहते हैं। चलो देख लेते क्या न्यूज में है दोस्तों। न्यूज ऐसी है कि इसके पहले हमने वीडियो में देखा था कि अमरनाथ यात्रा में बालताल जो ये है अपना वैली, वहां पे फ्लैश फ्लड आ गया था, और कहते कि क्लाउड बस्ट ये हो सकता है, लेकिन आईएमडी कहती है कि भाई वहां पे रेनफॉल इतना नहीं गिरा था, नॉट मोर देन 2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर तो होना चाहिए, अब 2.5 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं गिरा था, इसका मतलब क्लाउड बस्ट एक्चुअली नहीं हुआ था। तो व्हाट वाज द रीजन, रीजन वाज दैट कि बालताल वैली में जो फ्लैश फ्लड आने वाला था, जो अपना अर्थ मूविंग होने वाली थी, तो एकदम से बेसिन में 10 बना दिए, तो ये तो हाल होने वाला है भाई, है ना। तो ये क्लाउड बस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला है, शॉर्ट ड्यूरेशन, इंटेंस रेनफॉल और स्मॉल एरिया, ये तीन क्राइटेरिया होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द प्रोसेस ऑफ एक्सेशन ऑफ खासी स्टेट्स ऑफ मेघालय इनटू द डोमिनियन ऑफ इंडिया। इंडियन डोमिनियन में खासी स्टेट जो थे मेघालय के, उनका एक्सेशन हो गया था, समावेशन हो गया था, ये प्रोसेस के बारे में स्टेटमेंट दिया है। वन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एंड एनेक्स्ड एग्रीमेंट साइंड बाय द हेड्स ऑफ फेडरेशन ऑफ 25 खासी स्टेट्स इन अ फेज्ड मैनर, है ना, एकदम स्टेज वाइज धीरे धीरे जो है 25 खासी स्टेट्स का फेडरेशन थे, उनके हेड्स जो थे, है ना, उन्होंने धीरे 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 साइन किया भाई, ऐसा एक है फेज वाइज। दूसरा है, ट्रीटी वॉज साइंड बाय राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 17th August 1948। इंडिया के तरफ से राजेंद्र प्रसाद जी जो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने 17th August 1948 में ट्रीटी साइन की। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट। दो स्टेटमेंट फैक्चुअल स्टेटमेंट है, क्लिक करू? ओके, चलो मैच करो अपने आंसर। आंसर इज ए, ओनली वन इज करेक्ट, बराबर है। अराउंड ये फेज मैनर इन द सेंस शुरुआत हो गई थी, शुरुआत ये 15th December 1947 में शुरुआत हो गई थी, 15th December 1947, और 19th March जो है 19th मार्च 1948 तक चलते रहे, है ना, फेज वाइज। और ये हो जाने के बाद में हमारे जो फर्स्ट और लास्ट गवर्नर जनरल थे, कौन थे भाई, हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सो हमें मालूम है सी राज गोपालाचारी, सी राज गोपालाचारी, ये जो थे इन्होंने साइन किया है,
गेटिंग द पॉइंट? ओके, चलो देख लेते हैं। भाई देखो, KHADC टू इनवाइट टॉकॉन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यहाँ पे एक चर्चा हो रही है अभी। कहते हैं कि कुछ लीडर का कहना है कि भाई सिक्स्थ शेड्यूल में उस वक्त की जो ट्रीटी के जो कंडीशंस थी वो प्रोविजंस फुलफिल हुई नहीं है, तो इसके लिए फिर से एक बार ये जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उसको पढ़ा जाए, समझा जाए। मेघालय यदि देखे जाए तो मेघालय तीन रीजन में, थ्री रीजन में डिवाइड है, जो मैट्रिलिनियल कम्युनिटीज है, खासी, गारोज और जांत्यास। इस ये तीन डोमिनेटेड मैट्रिलिनियल कम्युनिटीज है, इसमें डिवाइड हो गया है। अब ये खासी हिल यदि देखा जाए तो यहाँ पे 25 हिमाज, हिमाज है ना स्टेट, जिन्होंने एक फेडरेशन बनाया था, खासी फेडरेशन ऑफ खासी स्टेट। इन 25 जो हिमाज है स्टेट, इन्होंने फेज वाइज साइन किया। ये देखो फेज वाइज है ना, खरियाम स्टेट से लेके तो यहाँ तक, तो हम क्या देखते हैं कि अलग अलग डेट पर इन्होंने साइन किया, टोटल 25 ये जो थे स्टेट्स थे। देन थर्ड क्वेश्चन, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ इंडियाज डिफेंस प्रोडक्ट्स फॉर 2021-22, 2021-22 में सबसे ज्यादा इंडिया का डिफेंस प्रोडक्ट खरीदने वाला कंट्री कौन था? है ना, ए रशिया, बी जर्मनी, सी यूएसए, डी फ्रांस। क्लिक करो, सिंगल लाइन क्वेश्चन है, आंसर इज सी यूएसए। यूएसए वॉज द लार्जेस्ट बायर ऑफ इंडिया डिफेंस प्रोडक्ट फॉर द 2021-22। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या है। तो मांजरा भाई ऐसा है, यूएसए ये मेजर बायर रहा, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यहाँ पे भी हमारे जो है डिफेंस प्रोडक्शन बेचा जाता है। इस बार एकदम से बढ़िया टॉप मोस्ट कमाई हो गई, 13,000 करोड़ की हो गई। अब मेथोडोलॉजी जो है, डिफेंस एक्सपोर्ट किसको कहते हैं, इसकी मेथोडोलॉजी है। ऐसे ही कंपोनेंट को काउंट किया जाता है जिसका डिफेंस ऑथराइजेशन होता है, जो लिस्टेड होते हैं SCO MET 6 कैटेगरी में। जो इसमें नहीं है उसको डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं कहा जाता। ऐसे भी बहुत सारे एविएशन के कंपोनेंट है जो ड्यूल यूज पर्पस के लिए होते हैं, मिलिट्री और सिविलियन, इसके लिए वो इसमें नहीं आते क्योंकि ये लिस्ट में वो काउंट नहीं है। जनवरी 2022 में इंडिया ने एक $374.96 मिलियन की एक डील की फिलीपींस के साथ। यह सबसे बड़ी डिफेंस ऑर्डर की डील रही, जहां पे हम बैटरीज देने वाले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए। ठीक है, अब 75 जो है एक नए AI प्रोडक्ट्स जो है और टेक्नोलॉजीज जो हाईली प्रिसिशन ओरिएंटेड है, इसका हमने एक लॉन्च किया इनिशिएटिव, और इसके लिए एक काउंसिल बनी है जो डिफेंस मिनिस्टर उनके चेयरपर्सन से और डिफेंस AI काउंसिल, इन्होंने दोनों ने मिलकर एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है ताकि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है उसमें दबदबा रहे, हम इसमें बहुत शार्प हैं और डिफेंस एक्सपोर्ट अच्छे से बढ़ता जाए। देन द फोर्थ क्वेश्चन, विच कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर अ सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस इन रिजर्वेशन। कौन सा कमीशन यूनियन गवर्नमेंट ने सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस इन रिजर्वेशन के लिए बनाया? ए काका कालेकर कमीशन, बी मंडल कमीशन, सी जस्टिस मालिमात कमीशन, डी जस्टिस रोहिणी कमीशन। क्लिक करो, एकदम से सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर इज डी, यस जस्टिस रोहिणी कमीशन। जस्टिस रोहिणी कमीशन जो है ये 2 मेंबर है, जिसमें चेयरपर्सन जस्टिस रोहिणी मैडम है, वहां पे 7 में एक मेंबर है जितेंद्र बजाज, है ना, जितेंद्र बजाज जो है ये एक मेंबर है, जो पहले डायरेक्टर थे, डायरेक्टर फॉर सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के लिए, अभी हाल ही में वो चेयरपर्सन बन गए, है ना, वो चेयरपर्सन किसके बन गए, तो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च के। ठीक है, चलो देख लेते न्यूज में क्या है।
भाई न्यूज में ऐसा है कि ये जस्टिस रोहिणी जो है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है 2 अक्टूबर 2017 को, और अभी तक 11 एक्सटेंशन मिल चुके हैं। इसके 4 टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, एक्चुअली ओरिजिनली 3 है और फोर्थ अभी ऐड हो गया है। पहला है एग्जामाइन द एक्सटेंट ऑफ इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन अमंग ओबीसीज। ओबीसी कैटेगरी में कुछ जो कैटेगरीज है उन्होंने काफी कुछ फायदा लिया है और बाकी ने फायदा नहीं लिया है, तो इनइक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है वो देखना है। वर्कआउट मैकेनिज्म क्राइटेरिया नॉर्म्स एंड पैरामीटर्स इन साइंटिफिक अप्रोच फॉर सब कैटेगराइजेशन, उसके आधार पर सब कैटेगराइजेशन बनाया जाएगा। ठीक है, ऐसा भी किया करेंगे कि एक आइडेंटिफाई करेंगे रिस्पेक्टिव कास्ट और सिनोनिम्स जो सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी के कहीं गलत है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, लो चाहे वो उसमें जो एम्बिग्यूटीज है, इनकॉन्सिस्टेंसीज है, स्पेलिंग में कुछ एरर्स है, वो भी ये फाइंड आउट करेंगे। ये चौथा जो है ये अभी फिलहाल में ऐड कर दिया गया है। देन द लास्ट क्वेश्चन, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट एनआरई अकाउंट, वन रिपेट्रिएबल अकाउंट, दूसरा है एनआरई टू एनआरई और एफसीएनआरबी टू एनआरई ट्रांसफर अलाउड, तीसरा है कैन बी करंट सेविंग और टर्म डिपॉजिट अकाउंट, और चौथा है फ्री लोकल पेमेंट्स अलाउड। करेक्ट कोड आपको चूज करना है, 4 स्टेटमेंट्स है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट के बारे में। पहला तो हम लेके भग सकते हैं भाई, एनआरआई यहां से पैसे लेके भग सकता है, रिपेट्रिएबल। ओके, दूसरा है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आराम से ट्रांसफर, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा ऐसा है कि ये करंट भी खोल सकते हैं, सेविंग भी खोल सकते हैं और एफडी टर्म डिपॉजिट भी खोल सकते हैं, और चौथा है फ्री लोकल पेमेंट अलाउ है भाई। तो कौन सा है, क्लिक करें। ओके, चलो मैच करते हैं आंसर आपका। आंसर इज डी, यस, ऑल 4 आर करेक्ट, चारों करेक्ट है दोस्तों। चलो देख लेते थोड़ा सा ब्रीफ भाई। ब्रीफिंग ऐसी है कि आरबीआई ने अभी फिलहाल तो ये हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो भग जा रहे हैं, है ना, हॉट मनी है, फ्लाइट हो रहे हैं, है ना, सब यूएसए की तरफ भग रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में हमारा फॉरेक्स है बड़ा डगमगा गया है, उसको बचाने के लिए कोशिश है। आरबीआई ने नॉर्म्स रिलैक्स कर दिए और कहा है कि भाई अभी बिंदास रहो, आप टेंशन मत लो। एनआरआई अकाउंट एक्चुअली 1970 में शुरू हुआ था, यहाँ पे एनआरआई अपने फॉरेन अर्निंग्स ट्रांसफर कर सकता था और वापस अपना प्रॉफिट भी लेके जा सकता था, है ना। अब ये फॉरेन करेंसी में भी डिपॉजिट कर सकते हैं और इंडियन करेंसी में विड्रॉल कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि रुपए की हालत बेकार है और इसी वजह से एक्सचेंज का जो रिक्स है वो बरकरार है। तो अभी आरबीआई ने बोल दिया कि कोई बात नहीं भाई, आप डॉलर में भी लेके जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन है एनआरआई पीआई को, या ऑप्शन टू क्रेडिट द करंट इनकम टू दियर एनआरआई अकाउंट, है ना, लेकिन कंडीशन है कि ऑथराइज डीलर जो है ये सेटिस्फाइड रहे कि भाई ये करंट इनकम जो है नॉन रेसिडेंट अकाउंट होल्डर की ये और इनकम टैक्स देयर ऑन वो डिडक्ट हो चुका भाई, और ये उसका ही है भाई, करंट इनकम है, बस ये सब चीजें फाइनलाइज हो गई तो उसको ट्रांसफर करने की परमिशन मिल जाएगी। सो दोस्तों 5 क्वेश्चन समझ गए होंगे, अच्छे से पढ़ाई करो यार, ऑल द बेस्ट।